लाईज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला इस वीडियो में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का यूनिट टू से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड म्यूचुअल फंड्स ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जिसका मीनिंग पढ़ेंगे डेफिनेशन पढ़ेंगे टाइप्स देखेंगे कि दोनों का क्या क्या टाइप्स हैं दोनों का बेनिफिट्स देखेंगे और दोनों के रोल्स देखेंगे कैपिटल्स में इकोनॉमी में दोनों का क्या क्या रोल्स हैं अगर आप चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने से पहले इनके पार्ट वन देखें ताकि ये पार्ट टू आपको समझ में आएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इज़ अ टाइप ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एक तरीके का वेल्थ मैनेजमेंट का टाइप्स हैं वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज का टाइप है दैट ऑफर्स अ रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज टू बेनिफिट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज इन इन द मार्केट जो ऑफर्स करता है एक स्पेशल रेंज स्पेशल इन्वेस्टमेंट इस्ट्राटेजी ऑफर करता है एक इन्वेस्टर्स को एक इंडिविजुअल्स को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स वो अर्न कर सके उस अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अपॉर्चुनिटीज़ से एंड इज़ मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स और इसे मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो इस एक्टिविटी को इन्वेस्टमेंट इस्ट्रेटी को मैनेज करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बेसिकली दो तरीके का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होते हैं पहला है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड नंबर टू है नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो कि आपने पहला पार्ट में भी ये दोनों पढ़ा होगा इन आर डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो है इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली मैनेज द फंड्स ऑफ ईच क्लाइंट एक डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो अकेले इंडिपेंडेंटली जो है सभी फंड्स को सभी क्लाइंट्स के फंड्स को मैनेज करते हैं बट लेकिन ये नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है द पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजेस द फंड्स विद द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट लेकिन इसमें क्या होता है नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो है वो मैनेज करते हैं फंड्स का आ, सभी क्लाइंट्स के डायरेक्शंस पे वो अपने से कुछ नहीं कर सकता इसमें जैसे क्लाइंट्स बोलेंगे वैसे ही पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो हैं करेंगे द पोर्टफोलियो मैनेजर कैन नोट मेक बाय सेल डिसीजंस एट हिज ओन डायरेक्शन पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपने हिसाब से ना ही कोई बाई और सेल्स कर सकते हैं अपने डायरेक्शंस के हिसाब से अपने डिसीजंस uh, के हिसाब से ही हैज़ टू रेफर टू द क्लाइंट फॉर एवरी ट्रांजेक्शन्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स को हर ट्रांजेक्शन्स के लिए अपने क्लाइंट से पूछना होगा अपने क्लाइंट से ऑर्डर लेना होगा उनकी डायरेक्शन लेना होगा आई होप कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज समझ आया होगा उनके दोनों टाइप्स भी समझ आए होंगे अगर नहीं आया है तो कमेंट्स में बता सकते हैं मैं उसे दोबारा से समझा दूंगा नोट्स भी चाहिए तो बता सकते हैं मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा अब हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स कि म्यूचुअल फ़ंड्स क्या होता है उनका मीनिंग देख लेते हैं म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स म्यूचुअल फंड्स क्या है एक इन्वेस्टमेंट है, व्हीकल्स हैं चक्र हैं दैट पूल मनी जिससे जो मनी को पूल करता है फ्रॉम मैनी डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ही मनी को पूल करता है टू इंक्रीज देयर बाइंग पावर एंड डाइवर्सीफाई देयर होल्डिंग्स जिससे उनके बाइंग को इंक्रीज बाइंग पावर को इंक्रीज करता है और उनके होल्डिंग्स को डाइवर्सिफाई uh, करता है बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एक एक करके देखते हैं पहला है रिस्क रिडक्शन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से रिस्क बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है कम होता है म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज्ड प्रोफेशनली म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनली मैनेज्ड किए जाते हैं मैनेज किए जाते हैं इट रू रिड्यूज द रिस्क फैक्टर इसमें इन्वेस्ट करने से आपके रिस्क जो है बहुत ज़्यादा कम होते हैं रिस्क रिड्यूज़ होते हैं दे आर इन्वेस्टेड इन आउज नंबर ऑफ कंपनीज़ म्यूचुअल फंडस में इन्वेस्ट करने से म्यूचुअल फंड्स क्या करता है बहुत अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं थर्स द रिस्क फैक्टर इज़ रिड्यूस्ड मोर जिससे रिस्क जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है नंबर टू है डाइवर्सिफिकेशन देयर आर आ लार्ज नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं दैट हैज सेविंग्स जो जो लोग बचाते हैं सेविंग्स करते हैं दिज इस्मॉल सेग आर ब्राउड टूगेदर एंड म्यूचुअल फ़ंड इज़ क्रिएटेड ऐसे सेविंग्स uh, को एक जगह लाया गया और म्यूचुअल फ़ंडट किया गया म्यूचुअल फ़ंड इस्टार्ट किया गया द इन्वेस्टमेंट इंश्योर्स कैपिटल अप्रिसशन एंड रेगुलर रिटर्न और ये इन्वेस्टमेंट जो है इंश्योर्स करता है कैपिटल को अप्रीसीसन करने का और उससे रेगुलर रिटर्न भी देने का इंश्योर करता है नंबर थ्री है टैक्स एडवांटेज देयर आर मैनी स्कीम्स इन आ म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंडस में बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स में भी डिडक्शन मिलता है दैट प्रोवाइड अ टैक्स एडवांटेज जिससे आपको टैक्स एडवांटेजेस भी मिलता है अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट न्यू न्यू इनकम एक्ट के तहत आपको टैक्स एडवांटेजेस भी मिलता है द लाइबिलिटी ऑफ बाइंग पेइंग द टैक्स ऑफ एन इन्वेस्टर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड जो भी आपके लाइबिलिटी आपको पे करना होता है या किसी भी इन्वेस्टर्स को अगर लाइबिलिटी पे करना होता है तो उनके लाइबिलिटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं दिस कैन बी पॉसिबल वन लिव वैन ही और सी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स ये तभी हो सकता है उनके लाइबिलिटी तभी रिड्यूस हो सकते हैं जब वो आ, इन्वेस्ट जो है म्यूचुअल फ़ंड्स में कर रखा हो म्यूचुअल फंड्स में किया हो नंबर फोर है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन भी करता है म्यूचुअल फंड्स आर म्यूचुअल फंड्स आर मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय दिस सेबी म्यूचुअल फंड्स को जो मॉनिटर्ड और रेगुलेटेड किए जाते हैं सेबी के द्वारा इट प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स और ये Uh, अच्छा प्रोटेक्शंस जो है प्रोवाइड करते हैं बेटर प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को दिस मेक्स योर ये मैक्स्योर sure करता है दैट देयर इज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन फ़ॉर दी इन्वेस्टर्स इसमें कोई भी तरीके का ऑब्लिगेशंस नहीं होता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए आई होप कि आपको बेनिफिट्स समझ में आया होगा म्यूचुअल फंड्स का अगर नहीं आया है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं मैं उसे फिर से बता दूंगा। अब टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग म्यूचुअल फंड्स के, के क्या क्या टाइप्स होते हैं नंबर वन है नंबर वन है इक्विटी फंड्स इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ दी मनी इक्विटी फंड्स में जो है ज़्यादातर इन्वेस्ट किए जाते हैं दीज आर हाई रिस्क स्कीम्स। इक्विटी फंड्स जो है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क स्कीम्स होते हैं एंड इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो मैक लोसेज और इसमें इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा लॉस भी कर सकते हैं इसमें उसका लॉस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है इसमें डिप्ट फंड्स डेफ्ट फंड में क्या होता है डेफ्ट फंड्स इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ देयर मनी इनटू टू स्कीम्स इस्कीम्स फंड्स में भी बहुत ज़्यादातर उसके इन्वेस्टर्स के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं डेप्ट इशूड बाई बैंक्स गल्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डेप्ट जो है इशूज़ किए जाते हैं किसी भी बैंक के द्वारा इशू किया जाता है गिल्ड के द्वारा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी इशू किए जाते हैं डेप्ट फंड्स में दिस टाइप्स ऑफ फंड्स आर सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स इस तरीके का जो फंड्स होते हैं स्कीम्स होते हैं यह इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा सुइटेबल होता है हु आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है नहीं उठाना चाहता है रिस्क उसके लिए ये डिप्ट फंड्स सही है नंबर well थ्री साथ है बैलेंस्ड फंड्स बैलेंस फंड्स एज वेल एज डेप्ट बैलेंस फंड और साथ ही साथ डेप्ट फंड जो हैं दे जनरली ट्रेंड टू दी मनी मोर इनटू इक्विटी देन डेप्ट वे जनरली क्या करते हैं पैसे को आ, इक्विटी में लगाते हैं तब डेफ फंड में लगाते हैं नंबर फोर है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो कॉल्ड लिक्विड फंड्स मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स को लिक्विड फंड्स भी कहा जाता है दे इन्वेस्ट अ बल्क ऑफ देयर मनी इन सेफर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपोजिट वे अपने आ, कैपिटल्स को इन्वेस्ट करते हैं बल्क में आ, एक शॉर्ट टर्म्स के लिए सिर्फ जगह पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कुछ सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट कर देते हैं फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल पेपर्स में भी इन्वेस्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर आ स्मॉलर ड्यूरेशन जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है एक छोटे ड्यूरेशंस के लिए कम ड्यूरेशंस के लिए होते हैं गिल्ड फंड्स गिल्ड फंड्स आर द मोस्ट सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स गिल्ड फंड्स बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ इन्वेस्टमेंट होता है दे इन्वेस्ट बल्क ऑफ देयर मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर्स अपने कैपिटल्स को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर होता है रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट में म्यूचुअल फंड्स का क्या रोल है देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स हैव बिकम ह्यूजली पॉपुलर इन टू थाउजेंड थ्री जो इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ म्यूचुअल फंड्स में शुरू हुआ वो 2003 से एम एफ आई एसोसिएशन ऑफ़ म्यूचुअल फ़ंड्स इन इंडिया हैज़ स्टार्टेड जो एसोसिएशन ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया जो स्टार्ट किया गया था म्यूचुअल फंड्स सही है के नाम से कंपेन uh, किया गया था इस चीज़ को इट इज़ इन इंटरेस्टिंग टू सी दैट मैजॉरिटी ऑफ द सैलरीड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टेंड्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फ़ंड्स इन इंडिया इसको जब एक शॉर्ट टैग लाइन की तरह यूज़ किया गया कि म्यूचुअल फंड सही है इस चीज़ से जब एडवर्टाइज़ किया गया कंपेन किया गया तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखा गया खास करके सैलरीड पर्सन्स का इंडिया में जो कि जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं मैं उसे दोबारा सॉल्व कर दूंगा। नोट्स भी चाहिए तो आप बता दें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप सपोर्ट